हमने लास्ट क्लास में बेटा रिटर्न नाम का चैप्टर शुरू किया था। हमने रिटर्न में टोटल सेक्शंस कितनी बात की थी, 37 से लेके 45 तक, ठीक है, इतने सेक्शंस बोले थे रिटर्न के। दो सेक्शन हम और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, 46 एंड 47, जो पेनल्टी को डील करता है, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में 37, 38 और 39 देखा जाए तो आधा हमने रिटर्न का लेक्चर ख़त्म कर लिया था। 37 में हमने क्या पढ़ा था, आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न, 38 में इनवर्ड सप्लाई का रिटर्न और 39 में फाइनल रिटर्न, दैट इज जो मंथली वाला है। फटाफट बताओ किसी भी मंथ का रिटर्न कब जाता था, नेक्स्ट मंथ के 1 से लेके 10 के बीच में क्या जाएगा, GSTR1, यही पढ़ा था हमने। GSTR1 1 से लेके 10 के बीच में जाता है, जो आउटवर्ड सप्लाई का है। उसके बाद 11 से 15 के बीच में कौन रिटर्न फाइल करता है, रिसिपेंट। बताओ जब GSTR1 जाता था तो ऑटोमेटिक फॉर्म कौन सा जनरेट होता था, GSTR2A और 4A। अब इसके बिहाफ पे रिप्लाई कौन करता था, रिसीवर, कौन से फॉर्म में, GSTR2 में और 4 में। ये डेट क्या था, 11th से लेके 15th तक, और ये क्या था, 1st से लेके 10th तक। जब हम ये फॉर्म जनरेट करते थे तो ऑटोमेटिक फॉर्म कौन सा जनरेट होता था, GSTR1A, कौन सा जनरेट होता था, GSTR1A। अब जो GSTR1A जनरेट होता था ये किसके पास जाता था, सप्लायर के पास, और सप्लायर इसमें 15 से 17 तक में क्या करता था, एक्सेप्टेंस कि जो मॉडिफिकेशन किया है रिसिपेंट ने उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट। एक्सेप्ट करने के बाद वो फाइनल रिटर्न कब फाइल करता था, कौन सा वाला, मंथली वाला, GSTR3 फॉर्म में, कब, 20th तक। इसका हमने अलग अलग डेट्स पढ़े थे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे बेटा हम एनुअल रिटर्न के बारे में, ठीक है। बताता हूँ कौन से पेज पे आपको एनुअल रिटर्न दिखेगा। हमने इस टॉपिक का कंप्लीट कर लिया था पेज नंबर 428 पे आ जाइए, एनुअल रिटर्न 428, दैट इज एनुअल रिटर्न। ध्यान से बेटा, एनुअल रिटर्न जो है कब फाइल होती है, सुनो, सेक्शन नंबर 44 किसको डील करता है, एनुअल रिटर्न को। ये क्या बोलता है, एनुअल रिटर्न कब फाइल करना है, किसी भी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का। मान लो 21-22 हमारा प्रीवियस ईयर है, 21-22 का एनुअल रिटर्न कब फाइल होगा, तो बोला 31 मार्च को जब हमारा ये ईयर ख़त्म हो जाएगा, 31 मार्च को जब हमारा ये ईयर ख़त्म हो जाएगा उसके विदिन नाइन मंथ्स। आप ऐसा मत नाइन मंथ्स रट्टा मारो, सीधा मार लो 31 दिसंबर 2022, ठीक है। तो नाइन मंथ्स को भूल जाओ, सीधा क्या बोलो, जब हमारा ये ईयर ख़त्म हो जाएगा उसका आने वाला दिसंबर, यहाँ तक क्या फाइल हो जाना चाहिए, एनुअल रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ ITC क्लेम करने का लास्ट डेट क्या है, तो बोला जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उसका आने वाला सितंबर का रिटर्न कब फाइल करेंगे, 20 अक्टूबर 2022 तक। और एज पर 44 एनुअल रिटर्न कब फाइल करेंगे, 31 दिसंबर 2022, विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ तक हमें क्या क्लेम कर लेना है, ITC क्लेम कर लेना है। लेकिन हमारा रिटर्न कब तक फाइल होगा बेटा, 31 दिसंबर तक फाइल होगा। हमारा रिटर्न कब तक फाइल होगा, 31 दिसंबर तक फाइल होगा। लेकिन एनुअल रिटर्न यहाँ तक फाइल करेंगे, लेकिन ITC 20 अक्टूबर तक क्लेम करना है। समझ में आया, देखिए आपके नोट्स में लिखा हुआ है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, 428 पेज पे हम, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एन, कौन कौन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वही TDS और TCS वाले लोग, 51 और 52, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, शेल फर्निश एन एनुअल रिटर्न ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर electronically in such form and manner as may prescribed on or before 31st day of December following the end of such financial year. तो हमारा financial year कब खत्म हुआ, 31 दिसंबर को, वहाँ के बाद जो 31st दिसंबर आने वाला है वहाँ तक आपको क्या फाइल कर देना है, annual return फाइल कर देना है।
अब ध्यान से एनुअल रिटर्न के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा क्या बेटा, ऑडिट रिपोर्ट। अगर आपके कंपनी का ऑडिट हो रहा है तो एनुअल रिटर्न के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा क्या, ऑडिट रिपोर्ट। अटैच क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑडिट रिपोर्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 35 शेल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली द एनुअल रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 अलॉन्ग विद द कॉपी। किस चीज का, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट की कॉपी, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और रिकाउंसलिंग द वैल्यू ऑफ सप्लायर डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फर्निश फॉर द फाइनेंशियल ईयर विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई का डिटेल भेजना पड़ेगा। अब देखो हमने ऑलरेडी मंथली वैल्यू ऑफ सप्लाई का डिटेल भेजा था, अब बोला उसको पूरा रिकॉन्साइल करके क्या भेजो, एनुअल भेजो और साथ में उसका ऑडिट रिपोर्ट भी अटैच करो। आ रही है बातें समझ में, कोई डाउट यहाँ तक? तो अपन ने क्या पढ़ा कि भैया एनुअल रिटर्न भेजना है और साथ में ऑडिट रिपोर्ट भी हमें क्या करना है, अटैच करना है। अब ऑडिट रिपोर्ट कब अटैच करते हैं बताता हूँ, कौन सी कंपनी का ऑडिट होगा और किसका ऑडिट नहीं होगा, यानी जीएसटी में ऑडिट करने का क्या टर्नओवर है। ठीक है, यहाँ तक पहले बात याद हो गई। सेक्शन 44 किसको डील करता है, एनुअल रिटर्न कब तक फाइल करना है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न उसके आने वाले 31 मार्च तक जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया फाइनेंशियल ईयर 21-22 का रिटर्न कब तक जाएगा, 31 दिसंबर 2022 तक, ये लास्ट डेट है। हाँ, क्या इसमें एक्सटेंशन हो सकता है, कमिश्नर चाहे तो एक्सटेंशन कर सकता है, करेक्ट है। अब इधर बात करते हैं, सर आईटीसी क्लेम करने का लास्ट डेट क्या होगा, तो बोला सितंबर वाला रिटर्न और फाइनल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, सितंबर वाला रिटर्न और फाइनल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, वहां तक आपको क्या क्लेम कर लेना है, आईटीसी क्लेम कर लेना है। याद रहेगा भैया सितंबर का रिटर्न कब फाइल होगा, अक्टूबर में ना, 20 अक्टूबर, वो और 31 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर। जब भी रिटर्न भेजोगे साथ में क्या अटैच करोगे, ऑडिटेड बैलेंस। अब सुनना, ऑडिट कब करवाते हैं, जब तुम्हारा टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होता है, तो क्या करवाते हैं बेटा, ऑडिट। तो उसका ऑडिट रिपोर्ट बताऊंगा, ऑडिट रिपोर्ट कौन से फॉर्म में जाती है। इतना समझ में आ गया, चलिए अब ध्यान से देखो जरा रूल नंबर 80 आपको लिखा हुआ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न बेटा कौन से फॉर्म में फाइल होगा समझना, देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर पर्सन पेइंग टैक्स अंडर 51 और 52 कैजुअल टैक्सीबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सीबल पर्सन, इनका रिटर्न जाएगा बेटा किसमें, GSTR 9 में। देखो पांच लोगों को छोड़ दो, कौन से पांच लोग, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, TDS वाले, TCS वाले, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन पांच को छोड़ दो, बाकी जितने भी SSC है सबका एनुअल रिटर्न किस में जाएगा, GSTR 9 में। किस में जाएगा, GSTR 9 में। ठीक है, 9A में किसका जाएगा, सेक्शन 10 वाले का, कंपोजिशन लेवी। 9A में किसका जाएगा बेटा, सेक्शन 10 वाले का, कंपोजिशन लेवी वाले का एनुअल रिटर्न जाएगा। अच्छा 9B में किसका जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वालों का, 9B में किसका जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। और 9C में ऑडिट रिपोर्ट जाती है, जब तुम्हारा ऑडिट टर्नओवर कितने से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा, तो 9C में क्या जाएगा आपका, ऑडिट रिपोर्ट जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो ध्यान से सुनो बेटा, जिसको GSTR 1 और GSTR 3 फाइल करना होता है उसके लिए एनुअल रिटर्न का फॉर्म है GSTR 9। याद रहेगा जिसको GSTR 1 और GSTR 3 फाइल करना होता है उनके लिए एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर क्या है, GSTR 9। एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर क्या है बेटा, GSTR 9। कोई डाउट यहां तक, क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा कि GSTR 1 और 3 जिसको फाइल करना है उसका एनुअल रिटर्न किस में जाएगा, GSTR 9 में जाएगा। कब तक जाएगा, 31 दिसंबर तक जाएगा। ठीक है, अच्छा GSTR 9A किसके लिए है बेटा, सेक्शन 10 वाले SSC का, कंपोजिशन लेवी वाले का। और GSTR 9B किसके लिए है, TDS वालों का, TDS और TCS वालों का। और 9C किसके लिए है, 9C एनुअल रिपोर्ट की कॉपी, एनुअल रिटर्न की कॉपी, रिपोर्ट की कॉपी, ऑडिटेड रिपोर्ट की कॉपी। क्लियर है, चलिए अब आते हैं बेटा सेक्शन नंबर 45 जो डील करता है फाइनल रिटर्न को। आईटीसी वाला रिटर्न मैंने एक भी नहीं पढ़ाया, वो तब पढ़ाऊंगा जब मैं आईटीसी का चैप्टर पढ़ाऊंगा, अभी मैं आईटीसी के रिटर्न को नहीं डील कर रहा। चलिए
अभी आते हैं बेटा सेक्शन नंबर 45 जो डील करता है फाइनल रिटर्न को। सेक्शन 45 किसको डील करता है? फाइनल रिटर्न को। अब बोलोगे अमित सर एक बात बताओ, अपन ने मंथली फाइल किया, क्वार्टरली फाइल किया, एनुअली भी फाइल किया, अब ये फाइनल रिटर्न क्या है? अब ये फाइनल रिटर्न क्यों? ध्यान सुनना बेटा, फाइनल रिटर्न तब फाइल करते हैं जब तुमने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया, तब क्या करते हैं? फाइनल रिटर्न फाइल करते हैं। याद रहेगा फाइनल रिटर्न कब फाइल करते हैं? जब हमने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया तो हम क्या फाइल करेंगे बेटा? फाइनल रिटर्न। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सेक्शन 45 पढ़ रहे हैं बेटा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39 एंड हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड, तो उनको क्या फाइल करना है बेटा? फाइनल रिटर्न। कितने महीने के अंदर में? विद इन 3 months। कहां से 3 months? डेट ऑफ कैंसिलेशन, डेट ऑफ कैंसिलेशन और ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, जिस दिन तुमने कैंसिल किया और जिस दिन कैंसिलेशन का ऑर्डर आया, विच एवर इज लेटर, वहां से 3 महीने के अंदर में क्या फाइल करना है? फाइनल रिटर्न। कौन से फॉर्म में? GSTR 10 में। किसमें बेटा? GSTR 10 में। ठीक है, तो देखो एनुअल रिटर्न का फॉर्म कौन सा था? GSTR 9 और फाइनल रिटर्न का फॉर्म कौन सा है? GSTR 10। करेक्ट है। अब सुनो सर, अगर तुमने हमारे पास देखो रिटर्न के कितने सेक्शंस थे, 37, 38, 39, 44 एंड 45, अगर तुमने इसमें से किसी भी रिटर्न को फाइल नहीं किया तो सेक्शन नंबर 46 क्या बोलता है? तुम असेसी इन डिफॉल्ट माने जाओगे। क्या माने जाओगे? असेसी इन डिफॉल्ट। करेक्ट है। तो 46 ने बहुत सिंपल वर्ड में रिप्लाई किया कि भैया इसमें से किसी भी रिटर्न को अगर तूने फाइल नहीं किया एज पर द रिक्वायरमेंट तो तुम क्या माने जाओगे? असेसी इन डिफॉल्ट माने जाओगे। क्या माने जाओगे? असेसी इन डिफॉल्ट माने जाओगे। यहां तक कोई डाउट? अब एक बात समझना, सेक्शन नंबर 47 क्या बोलता है कि अगर तुम असेसी इन डिफॉल्ट हो गए तो 47 की क्या लग जाएगी? पेनल्टी। 47 की क्या लग जाएगी बेटा? पेनल्टी। अगर तुम 46 में क्या हो गए? असेसी इन डिफॉल्ट हो गए तो 47 की क्या लग जाएगी? पेनल्टी। अब 47 के पेनल्टी को बेटा ध्यान समझना कि 47 की पेनल्टी कितनी है। देखो 47 की पेनल्टी कब लगेगी? जब तुमने 37 का, 38 का, 39 का और 44 और 45 का डिफॉल्ट कर दिया तो क्या लग जाएगा बेटा? 44 नहीं बेटा, 45 का। हाँ, 37, 38, 39 और 45 का डिफॉल्ट कर दिया तो क्या लगेगा? पेनल्टी। पेनल्टी कितना लगेगा? 100 rupees पर डे। पेनल्टी कितना लगेगा? 100 rupees पर डे। 100 rupees पर डे, जो मैक्सिमम बेटा कहां तक जाएगा? 5000 rupees का। 100 rupees पर डे और 5000, विच एवर इज लेस, ऐसे इक्वेशन बना लो, क्योंकि मैक्सिमम कितना जाएगा पेनल्टी बेटा? 5000 rupees तक। तो 100 rupees पर डे और 5000, विच एवर इज लेस। ठीक है, ध्यान से याद रखना 47 में क्या लिखा हुआ है। पहली पेनल्टी 37, 38 और 39 और 45 का डिफॉल्ट करने पे 100 rupees पर डे। पर डे कहाँ से शुरू होगा? जिस दिन आपका ड्यू डेट था उसके बाद से। ठीक है, जैसे मुझे बताओ 37 का ड्यू डेट क्या था? 1 से 10, तूने 10 के बाद फाइल किया तो 100 rupees पर डे। 38 का ड्यू डेट क्या था? 11 से 15, तूने 15 के बाद फाइल किया तो 100 rupees पर डे। अच्छा 39 का ड्यू डेट क्या था? किसी का 20 था, किसी का 18 था, किसी का 13 था, किसी का 10 था, ये पढ़ा था हमने, तो बोला उसके बाद से। और 45 का क्या था? कैंसिलेशन के विद इन 3 months, तुमने 3 महीने के बाद फाइल किया तो 100 rupees पर डे और 5000, विच एवर इज लेस। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया पक्का? चलो अब एक बात समझना, अगर तुमने 44 सेक्शन का डिफॉल्ट किया, किसका डिफॉल्ट किया बेटा? 44 सेक्शन का डिफॉल्ट किया तो यहां पे पेनल्टी अलग है। अगर तुमने 44 का डिफॉल्ट किया तो देखो यहां पे पेनल्टी कितनी है। लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर आपने 44 का डिफॉल्ट किया तो यहां पे पेनल्टी है अगेन 100 rupees पर डे, 100 rupees पर डे और 0.25% ऑफ टर्नओवर। 100 rupees पर डे और 0.25% ऑफ द टर्नओवर, विच एवर इज लेस। मैक्सिमम बेटा कितना लगेगा? 0.25% ऑफ टर्नओवर। मैक्स टू मैक्स कितना लगेगा? 0.25% ऑफ टर्नओवर, उससे ज्यादा नहीं लग सकता। इसलिए मैंने क्या लिखा? विच एवर इज लेस।
आया समझ में? तो देखो 37 का पेनल्टी याद हो गया, 37, 38, 39 और 45 का पेनल्टी ये रहेगा, ठीक है। मैंने अभी कोई इंटरेस्ट की बात नहीं की है, इंटरेस्ट यहाँ पे लगता ही नहीं है, सिर्फ क्या लगता है पेनल्टी। जब तुम टैक्स लेट पे करते हो तब क्या लगता है बेटा? इंटरेस्ट। किस रेट से? 18% पर एनम, 18% पर एनम। कब? जब तुमने टैक्स लेट पेमेंट किया। लेकिन मान लो तुमने टैक्स ज्यादा भर दिया, तुमने टैक्स ज्यादा भर दिया और डिपार्टमेंट तुम्हें रिफंड लेट कर रहा है, तो डिपार्टमेंट 6% इंटरेस्ट के साथ रिफंड करता है। लेकिन अपन जब उसको पे करते हैं तो कितने परसेंट इंटरेस्ट के साथ? 18%। याद हो गया, ये दो पेनल्टी अच्छे से याद हो गया। तो 47 में सिर्फ क्या लिखा हुआ है? पेनल्टी। बताओ 37, 38, 39 और 45 की पेनल्टी कितनी है? 100 पर डे और 5000, विच एवर इज लेस। और 44 की पेनल्टी कितनी है? 100 पर डे और 0.25% ऑफ टर्नओवर, विच एवर इज लेस। क्लियर है? और 46 क्या बोलता है कि अगर तुमने 37, 38, 39, 44 और 45 का रिटर्न नहीं भेजा तो क्या माने जाओगे तुम? असेसिन डिफॉल्ट। क्या माने जाओगे? असेसिन डिफॉल्ट। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से बेटा, नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर। देखो नेक्स्ट पेज पे देखो, आपको सेक्शन नंबर 46 लिखा हुआ है। रीड विथ सेक्शन नंबर 46, रीड विथ सेक्शन 52 एंड रूल 68। क्या लिखा हुआ है? अ नोटिस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म शैल बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली टू द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, 44, 45। कौन कौन से रिटर्न हो गए? GSTR 1, GSTR 9 और GSTR 10। अगर ये तीन फॉर्म का तुमने डिफॉल्ट कर दिया तो आपको नोटिस जाएगा। जिस दिन आपको नोटिस गया उसके 15 डेज में आपको रिटर्न फर्निस करना है। अगर 15 डेज में आपने रिटर्न फर्निस नहीं किया तो आप माने जाओगे असेसिन डिफॉल्ट एज पर 46। आ रही है बातें समझ में? और फिर 47 की क्या लगा देंगे? वो पेनल्टी। 47 की क्या लगा देंगे? वो पेनल्टी। यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब बेटा तीन सर्कुलर आए हैं, जरा उन सर्कुलर को ध्यान से देखना। और ये सर्कुलर जो है, ये सारे के सारे सर्कुलर्स बेटा पेनल्टी के रिगार्डिंग ही है, और वही सर्कुलर है जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ध्यान से देखो, GSTR 1 पे एक सर्कुलर आया है। किसके ऊपर? GSTR 1 के ऊपर एक सर्कुलर आया है, और ये सर्कुलर का डेट था बेटा 23 जनवरी 2018 का। ये सर्कुलर क्या बोलता है कि अगर आपने डिले कर दिया GSTR 1 को फाइल करने में तो आपकी पेनल्टी कितनी होगी? ध्यान से, इस सर्कुलर में दो बातें लिखी गई है बेटा। इस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है? दो बातें। क्या लिखा हुआ? पहला पॉइंट सुनो पहले, फिर लिख के समझाऊंगा। वेयर देयर इज ए नो आउटवर्ड सप्लाई इन एनी मंथ और क्वार्टर। अगर मान लीजिए आपका नो आउटवर्ड सप्लाई है, आपका कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, कब बेटा? इन अ मंथ और क्वार्टर। मंथ और क्वार्टर में आपका कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, इसका मतलब डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? नील रिटर्न फाइल करो। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? नील रिटर्न। अगर तुमने फाइल नहीं किया, यहां पे क्या फाइल करना है बेटा? नील रिटर्न। अगर तुमने फाइल नहीं किया, नॉट फाइल्ड, तो पेनल्टी कितनी है? देखो वहां पे लिखा हुआ है ₹10 per day और 5000, विच एवर इज लेस, ठीक है। और एनी अदर केस होगा। एनी अदर केस का मतलब क्या है बेटा? एनी अदर केस का मतलब तुम्हारे पास आउटवर्ड सप्लाई था, तुम्हारे पास आउटवर्ड सप्लाई था तो ₹25 per day और 5000, whichever is less। आया समझ में? मैंने क्या बोला कि सर अगर तुम्हारा किसी मंथ में आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, अगर आउटवर्ड सप्लाई नहीं है तो तुम्हें क्या फाइल करना है? नील रिटर्न। और अगर तुमने नील रिटर्न फाइल नहीं किया तो ₹10 per day और 5000, whichever is less। और अगर तुम्हारा आउटवर्ड सप्लाई था फिर भी तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया तो ₹25 per day। आ रही है बातें समझ में? ये नोटिफिकेशन कब आया था बेटा? 23rd 1 2018। अब उसके नीचे देखो एक और, अगर तुमने GSTR 3B, GSTR 4 और GSTR 5 का डिफॉल्ट किया तो सेम बेटा वही है, सेम यही पेनल्टी है। नील रेटेड होगा तो 10 और 5000, विच एवर इज लेस। और अगर एनी अदर केस होगा तो 25 और 5000, विच एवर इज लेस। तो ये अलग अलग दो नोटिफिकेशन है।
और GSTR 6 तुमने लेट फाइल किया, अगेन सेम वही है पेनल्टी। GSTR 6 पेज नंबर 419 पे देखो सब लिखा हुआ है, GSTR 6 तुमने लेट फाइल किया तो 25 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 5000 तक। और 47 वाला तो बता दिया था कि अगर तुमने एनुअल रिटर्न 44 वाला लेट फाइल किया तो कितना था, 100 रुपीज पर डे और 0.25% ऑफ टर्नओवर, विच एवर इज लेस। आया समझ में या नहीं? ठीक है, अब ध्यान से टर्नओवर में एक बात समझना। पूछोगे अमित सर टर्नओवर का मतलब क्या, तो मैंने क्या बोला, टर्नओवर का मतलब वही टोटल सेल्स। टोटल सेल्स में क्या क्या लेना याद है, अपन ने टर्नओवर का मतलब रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर पढ़ा था, क्या क्या था, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, जियो रेटेड सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, एक्सक्लूडिंग CGST, SGST, UTGST, IGST, कॉम्पनसेशन सेस और सप्लाई ऑन RCM बेसिस, इसको छोड़ के सब। अब ध्यान से, पर्टिकुलर यूटी में, पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पे आपकी कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस है, जिस एरिया से तुम बिजनेस कर रहे हो वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, जिस एरिया से तुम बिजनेस कर रहे हो वहाँ की बात कर रहा हूँ। आ रही है बातें समझ में, पक्का कोई डाउट? तो टर्नओवर उसी एरिया का लेना जिस एरिया में आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस है। जैसे मान लो मेरा बिजनेस कलकत्ता में है तो कलकत्ता में मैंने टोटल सप्लाई कितना किया, कलकत्ता का टर्नओवर कितना है। मेरा अगर बिजनेस दमन में है तो दमन में मेरा टर्नओवर कितना है। आ रही है बातें समझ में, पक्का? तो ये बेटा आपका चैप्टर खत्म हो गया, दैट इज रिटर्न। तो रिटर्न के सारे सेक्शंस याद हो गए, सेक्शन नंबर 37 से लेके हमने कहाँ तक पढ़ा सेक्शन बेटा, 47 तक। बताओ 37 किसका था, आउटवर्ड सप्लाई, 38 इनवर्ड सप्लाई, 39 मंथली सप्लाई, 44 एनुअल सप्लाई, 45 रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला फाइनल सप्लाई, 46 अगर तुमने 37 से लेके 45 तक का डिफॉल्ट किया तो असेसी इन डिफॉल्ट, और 47 में पेनल्टी। पेनल्टी कितनी है भैया, अगर जीएसटी या 37, 38, 39 का डिफॉल्ट किया तो पेनल्टी कितनी है, 100 रुपया पर डे और मैक्सिमम 5000 तक, और 44 का डिफॉल्ट किया तो 100 रुपीज पर मंथ पर डे और 0.25% ऑफ टर्नओवर, विच एवर इज लेस। कोई डाउट? चलिए, तो ये हमारा हो गया बेटा क्या, रिटर्न नाम का चैप्टर खत्म। ठीक है, अभी हम एक दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, जिसका नोट्स मैं आपको अगली क्लास में दे दूंगा, ई वे बिल।